मेहरौली से अधचिनी जाने वाले लोग अक्सर परेशान हो रहे हैं क्योंकि पीटीएस बस स्टैंड के पास सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से इसका पानी सड़क पर बह रहा है और सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब यहाँ पर वाहनों को गुजरना होता है तो वो कई बार जाम में फंस जाते हैं क्योंकि सड़क के किनारे आप देखिए किस तरीके से जो सीवर का पानी है वो बह रहा है, जिसकी वजह से खास तौर पे दुपहिया वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जिस लाइन में वो लोग चलते हैं उस लाइन में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सीवर का पानी भरा हुआ है और इस सीवर का पानी काफ़ी दिनों से भरा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने बताया, क्योंकि गाड़ी चालकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही जो कि दुपहिया वाहन से जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अधचिनी की, जहाँ पर आपको बता दें कि पीटीएस स्टैंड है वहाँ पर ये जो पानी है वो भरा हुआ है। मेहरौली से आपको बता दें कि अधचिनी जाने वाले इस रास्ते पर यहाँ पर पानी जो है वो बह रहा है, वो भी सीवर का पानी है। काफ़ी समय से ये जो पानी है बह रहा है, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी आपको बता दें कि सुबह और शाम के वक्त यहाँ पर जाम भी लग जाता है क्योंकि जाम लगने की स्थिति ये होती है क्योंकि जिस लाइन में दुपहिया वाहन चलते हैं वहाँ पर सीवर का पानी भरा होता है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से गुजरने में कतराते हैं और इसी वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति भी बन जाती है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अधचिनी की, जहाँ पर आपको बता दें कि पीटीएस बस स्टैंड के पास ये पानी जो है सीवर का भरा हुआ है, सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से जो पानी है सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से दोपहिया वाहन चालकों को दिक्कत हो रही है। जी, ये पानी मेन रोड पे कब से भरा हुआ है? ये 10-12 दिन से देख रहे हैं। और कितनी ज्यादा दिक्कत होती है यहाँ से निकलने में? जब रेड लाइट होती है तो पैर रखने में बड़ी दिक्कत होती है, सारे जूते चप्पल गंदे हो जाते हैं, नीचे टूटी गिरने का भी भय रहता है। किस चीज का पानी है ये पता है आपको? गंदे नाले का है, नाला रुका हुआ है, उसका साइड से पानी निकल रहा है। और क्या यहाँ पर कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना हुई है? हुई होगी तो पता नहीं है, नजरों में तो आई नहीं। मेरा नाम राजेश कुमार है। आप इस रास्ते से रोज जाते हैं और कब से देख रहे हैं पानी भरा हुआ है? पानी तो आज देखा हूँ मैं। और तो कितनी दिक्कत होगी यहाँ से निकलने में पानी की वजह से? कितना जाम हो जाता है यहाँ पर, तो हमेशा जाम मिलता ही नहीं।